अपनी दमदार एक्टिंग की दम पर हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अभिनेता दिलीप कुमार साहब बेशक इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपने फिल्मों की वजह से आज भी उनका नाम फिल्मी दुनिया में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। 11 दिसंबर 1922 वो दिन था जब यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। ऐसे में आज दिवंगत एक्टर दिलीप कुमार की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। ऐसे में हम आपको दिलीप कुमार और सुपरस्टार शाहरुख खान के रिश्ते के बारे में बताने जा रहे हैं। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दिलीप कुमार और शाहरुख खान हिंदी सिनेमा के दो ऐसे कलाकार हैं जिनके पास सबसे ज्यादा 8 फिल्मफेयर अवार्ड हैं और वो अपने नाम इन अवार्ड्स को दर्ज कराने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। इतना ही नहीं, दिलीप की ब्लॉकबस्टर फिल्म देवदास का रीमेक हिट करा के शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो भी ट्रेजेडी किंग की तरह दमदार एक्टर है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान के पिता ताज मोहम्मद खान और दिलीप कुमार का जन्म और पालन पोषण पाकिस्तान के पेशावर में हुआ। साल 2013 के फिल्मफेयर अवार्ड्स के दौरान शाहरुख खान ने कहा था कि दिलीप साहब और मेरा रिश्ता फिल्मों से परे है और उन्होंने और सायरा जी ने हमेशा से मुझे अपना बेटा माना है। मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार की वाइफ और एक्ट्रेस सायरा बानू ने एक रोचक किस्सा बताया। दरअसल सायरा ने बताया कि हमारी कोई संतान नहीं थी, लेकिन हम जब भी शाहरुख खान से मिलते थे तो हमें ऐसा लगता था कि अगर हमारा बेटा होता तो वो शाहरुख खान की तरह ही दिखता। शाहरुख और दिलीप साहब के बाल एक जैसे थे। ऐसे में जब भी हम शाहरुख खान से मिलते थे तो मैं यानी कि सायरा बानू उनके बालों पर हाथ फेरा करती थी। बता दें कि 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार का निधन हो गया था। तो ये था वो दिलचस्प किस्सा जो सायरा बानू ने एक इंटरव्यू में शेयर किया और इसी से पता चलता है कि शाहरुख खान दिलीप कुमार और उनकी वाइफ सायरा बानू को कितना मानते थे।